उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर मतदान के शुरुआती घंटों में ही घमासान देखने को मिला। कुंदरकी के कुछ बूथों पर मुस्लिम वोटर खासकर महिलाओं को भगाने और मारपीट करने का आरोप कुछ मतदाताओं ने लगाया, तो मीरापुर में भी ऐसे आरोपों से सनसनी मच गई। अम्बेडकर नगर जिले की कटहरी सीट पर भी बीजेपी पर झंडा लगाकर बूथ कब्जा करने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो वायरल किया गया है। इसको लेकर घमासान मचा हुआ है। देखिए, कटहरी सीट पर सपा ने बूथ नंबर 120 और 121 को कब्जाने का आरोप लगाया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से निष्पक्ष चुनाव कराने की अपील की है। कहा है कि जो भी पुलिस अधिकारी वोटर कार्ड और आधार कार्ड चेक कर रहे हैं उन्हें वीडियो के आधार पर तुरंत निलंबित किया जाए। पुलिस को आधार आईडी कार्ड या पहचान पत्र जांचने का कोई अधिकार नहीं है। अखिलेश ने ताजा पोस्ट में क्या कुछ कहा है वो जानिए। अखिलेश कहते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग से अपील है कि अभी अभी प्राप्त वीडियो साक्ष्यों के आधार पर तत्काल संज्ञान लेते हुए दंडात्मक कार्रवाई करें और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को ही सुनिश्चित करें। जो भी पुलिस अधिकारी वोटर कार्ड और आधार आईडी चेक कर रहे हैं उन्हें वीडियो के आधार पर तुरंत निलंबित किया जाए। पुलिस को आधार आईडी कार्ड या पहचान पत्र जांचने का कोई अधिकार नहीं है। अब से थोड़ी ही देर पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। नसीम सोलंकी हमारे साथ है। नसीम जी, आपके क्या आरोप हैं जो आप बार बार आप हम तो चाह रहे हैं आप अपने कैमरे से कवर कर लीजिए। और बेचारा बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, माएं रो रही हैं कि उनके बच्चों को घर से घसीट घसीट के ले जा रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं तो उनको इतना मारा, एक लड़के की आंखें सुजा दी, इतना मारा, तो ये सब नहीं होना चाहिए। मत अधिकार है राष्ट्र, अरे चुनाव आयोग में जब बोला गया है कि आप जो है उनको चेक नहीं करेंगे आईडी, उसके बाद 100 मीटर पे रोक के आईडी चेक करी जा रही है, ये अच्छी बात है। कल क्या मुस्लिम महिलाओं की भी कुछ शिकायतें हैं कल बुरके को लेकर के बात। आप कवर करिए प्लीज, हम तो चाह रहे हैं, हमें बहुत जगह जा रहे हैं, बहुत लोगों का फोन आ रहा है। आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी हैं, जिनका कहना है कि पुलिस प्रशासन उनके वोटर्स को बेवजह परेशान कर रही है। लाइन लगी हुई है वोटर्स की, वोट डालने लोग पोलिंग सेंटर पे जाइए, बूथ पे देखिए, मीडिया जा सकती है, उसे अलाउड है, देख सकती है, कवरेज कर सकती है। ये आरोप विपक्ष जो भी लगा रहे हैं गलत आरोप लगा रहे हैं। ठीक है।